वेलकम एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे अपने क्लास 11 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इसमें हमने दो वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट आवर प्रीकर्सर्स, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में, हम लोग कहाँ से हमारी इवोल्यूशन हुई थी। उसमें मैंने बताया था आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो के बारे में, ठीक है, प्राइमेट्स के बारे में, और अफ्रीकन ओरिजिन क्यों कहा जाता है, जो होमोनिड्स हैं उनको अफ्रीकन ओरिजिन क्यों कहा जाता है, होमिनिड्स को, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद से हम लोगों ने थोड़ा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बारे में पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलो का मीन्स क्या होता है और पिथोकस का मीन्स क्या होता है, हैंड स्पेशलाइजेशन क्या होता है, ये सब हमने कल पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले थे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। हमने कल देखा था लास्ट वीडियो में कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते किसको है, तो जो भी ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता गया था वैसे वैसे ह्यूमन में बहुत सारी डेवलपमेंट होती गई थी। वो जो डेवलपमेंट हुई थी, लाइक उनका स्कल साइज नॉर्मल हो गया था, ठीक है ना, पहले बड़ा बड़ा हुआ करता था बाद में छोटा होते गया, उनका जबरा पहले बड़ा हुआ करता था बाद में छोटा हो गया, यानी कि उनके जो बोन स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस आया, जो डेवलपमेंट हुआ, उसको हमने कहा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आज हम उसको समझने वाले थे पूरे को, ठीक है, आज हम इस पूरे को समझने वाले हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप दोनों में से कहीं से भी लिंक से देख जा सकते हैं चैनल पर, और वहां से वीडियो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट, ठीक है। चूंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है तो थोड़ा टाइम लगेगा ही इसको कम्प्लीट करने में, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर जिन्होंने नहीं किया है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पर डे एक वीडियो अपलोड होगा इस पर, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कल से आपके क्लास की पॉलिटी की भी बैच शुरू हो रही है, तो अगर आपके दोस्त लोग कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो शेयर कीजिए और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास आपका। चलिए तो देखिए, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसके बारे में समझना है तो नीचे का स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नीचे का स्टेटमेंट एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ऊपर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको बताने से पहले नीचे का स्टेटमेंट बता देता हूँ। देखो यहाँ से, बाइपेडलिज्म इनेबल हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। जब लोगों ने दो पैर पर चलना शुरू किया तो उनका हाथ तो फ्री हो गया, अब वो हाथ से चाहे तो कुछ भी काम कर सकते थे, लाइक बच्चों को संभाल सकते थे, चीजें उठा सकते थे। इन टर्न एज हैंड्स वर यूज्ड मोर एंड मोर, अपराइट वॉकिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर इफिशियंट। आप खुद सोचो, अगर इंसान हाथ से ज्यादा काम करने लगेगा तो क्या वो हाथ पर चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे हाथ जितना ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता गया, वैसे वैसे जो इनका बाइपेडलिज्म था और ज्यादा बढ़ता गया। अब हम लोग भी क्या होता है, एक को देखते हैं कोई अच्छा सामान लिए हुए तो हम लोग भी हो जाते हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो अगर वहां कोई देखेगा कि हाँ वो बंदा दो हाथ से अपना काम कर रहा है, दो पैर पर चल रहा है, तो उसको देखकर अगर बगल के भी लोगों का मन करेगा। तो वैसे ही जब हैंड्स का यूज ज्यादा होने लगा, ज्यादा ज्यादा लोग काम करने लगे हाथ से, सामान उठाने लगे, बच्चे संभालने लगे, तो बाइपेडलिज्म कॉमन हो गया उस टाइम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एडवांटेज ऑफ फ्रीइंग हैंड फॉर वेरियस यूजेस, फार लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हाइल वॉकिंग एज कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ अ क्वाड्रुपेड। अब देखो, कल बताए थे कि क्वाड्रुपेड क्या होता है, जो चार पैर पर चलता है, और बाइपेडलिज्म मतलब दो पैर पर चलना। तो चार पैर पर चलने से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती थी, लाइक कुछ भी काम करना हुआ तो चारों पैर पर चलकर जाना है, जैसे एप्स करते हैं, मंकीज करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाइपेडलिज्म करते हैं, हमारे लिए दो पैर ही काफी है, हम लोग बाइपेडलिज्म करते हैं, तो हमारा क्या होता है, एनर्जी बचता है, हम हाथ से उस टाइम कुछ और भी काम कर सकते हैं, और दो पैर पर चलना है कम एनर्जी यूज होगा। हाँ, लेकिन दौड़ने टाइम ज्यादा एनर्जी यूज होगा, चलने में तो हमको कम एनर्जी यूज होता है एज कंपेयर टू चार पैर वाले एनिमल्स,
लेकिन दौड़ने में हमारी एनर्जी जाती है, इसीलिए तो पैर हाथ में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। खैर, देयर इज इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म एज अर्ली एज 3.6 मया। देखो, सबसे पहला जो एविडेंस मिला ना बाइपेडलिज्म का, वो इस टाइमलाइन के अराउंड में मिला, यानी कि 36 लाख साल पहले। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, 1 मया बराबर 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मया बराबर कितना होगा? 10 लाख। तो 3.6 मया बराबर कितना होगा? 3.6 × 10 इक्वल्स टू 36 लाख, ठीक है ना? 36 लाख ईयर्स अगो। तो मया मतलब होता है मिलियन ईयर्स अगो, तो 36 लाख साल पहले का एविडेंस मिला है बाइपेडलिज्म का हमें। और ये जो एविडेंस था वो एक फॉसिल के रूप में मिला, और जो जिस ह्यूमन एविडेंस का मिला वो था होमिनिड, ठीक है ना? जिस ग्रुप का मिला वो था होमिनिड। होमिनिड का फुटप्रिंट मिला हमें। कहाँ मिला? लेतोली और तंजानिया में। समझ में आ रहा है ना? तो पहला जो बाइपेडलिज्म का जो प्रूफ मिला, जो एविडेंस मिला, वो हमें मिला लताली और तंजानिया में। फॉसिल लिम बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम हदार इथियोपिया प्रोवाइड मोर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म। तो देखो, दो दो तुम्हारे को एविडेंस मिले हैं बाइपेडलिज्म के। एक एविडेंस इनडायरेक्ट है तो दूसरा डायरेक्ट है। देखो, एक एविडेंस तुम्हारा इनडायरेक्ट है तो दूसरा डायरेक्ट एविडेंस है। इनडायरेक्ट में फॉसिल मिला है तुम्हारा होमिनिड के फुटप्रिंट्स का। होमिनिड का जो फुटप्रिंट्स था ना, उसके फुटप्रिंट्स का फॉसिल मिला, याद रखना। जो पाइप बाइपेडलिज्म का जो एविडेंसेस है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इनडायरेक्ट दूसरा डायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट है उसमें हमें मिला है फॉसिल, मिला है होमिनिड के फुटप्रिंट्स का। कहाँ मिला है? लेतोली और तंजानिया में। लेतोली और तंजानिया में। और जो डायरेक्ट एविडेंस है बाइपेडलिज्म का, वो पूरा का पूरा फॉसिल लिम्ब बोन्स ही मिला है, उनके हाथ पैर का हड्डी ही मिला है। कहाँ से? हदार और इथियोपिया से। हदार और इथियोपिया, इज इट क्लियर? चलो अब देखो, यहाँ उतना समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ, अब समझ में आएगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉक्स इंडिकेट इन्फ्लुएंसेस दैट शेप दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट। अब देखो, ये जो एरो दिख रहा है ना, वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि इसके वजह से, किसके? इसके, ठीक है, सॉरी, इसके वजह से इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ। अब देखो, इधर से एरो इधर जा रहा है, देखो, इसके वजह से इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ। फिर इधर से एरो इधर आ रहा है, यानी कि इसके वजह से इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ। फिर एरो इधर से इधर जा रहा है, यानी कि इसके वजह से इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। समझ में आया? चलो देखो, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, ठीक है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे ब्रेन साइज बढ़ाना, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेन, इंक्रीज इन द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन। देखो यहाँ, इंक्रीज इन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के साइज के बढ़ने की वजह से हमारे को थिंकिंग पावर डेवलप हो गया। देखो यहाँ से नीचे आया हुआ है ना, ये ऐसे नीचे आ रहा है। तो ब्रेन का साइज बढ़ने की वजह से क्या हुआ? हमको देखने में ज्यादा सहूलियत होने लगा, विजुअल सर्विलेंस हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस तक हम वॉक करने लगे। थिंकिंग पावर क्योंकि हमारा मजबूत हो गया, हमने सोचना शुरू कर दिया उस टाइम। सोचेंगे तभी तो हम काम करेंगे, ठीक है? तो हंटिंग के लिए, फॉरेजिंग के लिए हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू कर दिया, जब हमारा जो ब्रेन कैपेसिटी था बढ़ गया था। हमारा नहीं, मतलब हमारे प्राइमेट्स का, होमिनिड्स का, ठीक है? अब जब दिमाग बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा दूर तक हम जा रहे हैं, तो हम अपने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे ना, जरूर, ऑब्वियस है, कुछ यूज करेंगे। और हमारा ब्रेन भी उतना कैपेबल है कि वो सोच सके क्या यूज करना है। तो ब्रेन के कैपेबल होने से और लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करने की वजह से, ठीक है, इसमें कैपेबल होने से, यानी कि ब्रेन में सोचने की कैपेसिटी आने से, और यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उसके वजह से हमने टूल बनाना शुरू किया, अपने सेफ्टी के लिए टूल बनाना शुरू किया। क्लियर है? और अब देखो, जब हम टूल बनाने लगे,
जब टूल बनाने हैं तो टूल कहाँ पकड़ेंगे, हाथ में पकड़ेंगे, तो हाथ में पकड़ेंगे तो इसी वजह से हम सीधा चलेंगे, अपराइट वॉकिंग करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि चार पैर पर चलेंगे, चार पैर पर चलेंगे तो फिर टूल पकड़ेंगे किस चीज़ में, पॉसिबल नहीं है। तो अगर टूल पकड़ना है तो दो पैर पर चलना पड़ेगा, तो हम दो पैर पर चलने लगे यानी कि हम अपराइट वॉकिंग करने लगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो, इतना समझ में आया? ब्रेन साइज बढ़ने की वजह से और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से टूल मेकिंग शुरू हुआ, टूल मेकिंग शुरू हुआ तो सीधा चलने लगे हम। अब जब हमने सीधा चलना शुरू किया, तब हमारा हाथ और ज्यादा फ्री हो गया ताकि कोई भी काम कर सके। अब देखो, टूल हाथ में पकड़ के जा रहा है, मतलब सीधा चलेगा, तो ऐसे करते करते आदत हो जाएगा, तो अब क्या होगा, हाथ उनका मजबूत हो गया। जैसे जिम में क्या करता है लोग, बॉडी बनाता है तो हाथ मजबूत हो जाता है, तो वैसे ही हाथ में ज्यादा टाइम तक उठाएगा, लगातार उसको आदत हो गया टूल उठाने का, तो उसका क्या हो गया, हाथ और ज्यादा फ्री हो गया। है ना, समझ में आया इतना कैसे ये जा रहा है एरो? अब देखो, जब हाथ फ्री होने लगा तो और ज्यादा से ज्यादा टूल बनाएगा, ना, जितना ज्यादा हाथ फ्री होगा उतना ज्यादा टूल बनाएगा और उतना ज्यादा ही वो लोग चलेगा। हाथ में जितना ज्यादा हाथ का यूज करेगा उतना कम उसको हाथ को चलने में यूज करेगा। देखो, अगर वो लोग हाथ का यूज चलने में करता, सामान पकड़ने में नहीं करता, तो क्या वो टूल्स बनाता? नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा उसको टूल्स अपने पास रखना है, चीजों को ढोना है, तो वो क्या करेगा, अपराइट वॉकिंग ही करेगा। समझ में आया ना? अब जब सीधा चलने लगा तो सीधा चलने से वो क्या करेगा, लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो तब भी सीधा चलेगा, चलते चलते भी तो आदत पड़ता है सीधा चलने का, है ना? और ये दोनों तो हम बता ही दिए, ब्रेन कैपेसिटी बढ़ने से जो तुम्हारा हुआ। और देखो, जैसे जैसे टूल बनाएगा वैसे वैसे उसको और ज्यादा आइडिया भी तो होगा टूल बनाने का। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक सामान अगर हम बनाते हैं तो हमको आइडिया हो जाता है कि हाँ, इसको अगर हम ऐसे 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 करेंगे तो और अच्छे से बन सकता है। तो जैसे जैसे टूल बनाएगा वैसे वैसे इसको आइडिया भी तो होते जाएगा ना, ब्रेन कि आगे और क्या करना है, यानी कि ब्रेन की इसकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। और दूसरी बात, जितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितनी चीजों को देखेगा उतना ज्यादा सोचेगा, और जितना ज्यादा सोचेगा उतना ज्यादा कैपेसिटी ब्रेन का बढ़ता जाएगा। होप ये पूरा क्लियर हो गया हो, नहीं क्लियर हुआ हो ये पूरा, एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करना, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करना था। अराउंड 2.5 में विद द ऑनसेट ऑफ अ फेज ऑफ ग्लेशिएशन व्हेन लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ वी आर कवर्ड विद स्नो देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अब देखो, एक ओवरव्यू इस पूरे का मैं देता हूँ, बताता हूँ क्या हुआ था। देखो, पहले तो हमारा अर्थ पूरा, जब बिग बैंग थ्योरी हुआ तो उस टाइम हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, मैक्रो ऑर्गेनिज्म आया, फिर एक ऐसा एज आया आज से लगभग 25 लाख साल पहले जब ग्लेशिएशन स्टार्ट हो गया, यानी कि टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया, हर तरफ बर्फ जमना शुरू हो गया। ठीक है, आइस एज जिसको बोलते हैं, आइस एज, ठीक है ना, हर तरफ बर्फ जमना शुरू हुआ। फिर उसके बाद से जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ, वैसे वैसे जो उस फेवरेबल टेम्परेचर में क्रॉप्स थे वो उगना शुरू हो गए जमीन पर खुद ब खुद। देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो वैसे वैसे छोटे छोटे घास उगना शुरू हो गए, फिर बारिश होना शुरू हो गया, फिर जंगल बढ़ना। अब देखो, बारिश होगा, टेम्परेचर घटने की वजह से क्या होगा, बारिश होगा तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स पानी लेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा वो सब हरे भरे होंगे, यानी कि उतना ज्यादा ग्रोथ करेंगे। तो जितना ग्रोथ करेंगे उतना ज्यादा यहाँ खाने पीने का चीज आ जाएगा। हम लोग पेड़ में पानी डालते तभी तो वो हमें फल देता है, तो पेड़ में पानी जाएगा तो वो फल देगा ही, तो हर तरफ फल लग गया, उसके ऊपर से घास हर तरफ उगने लगा, फिर वीट उगने लगा, यानी कि क्रॉप्स जिसको हम कहेंगे, क्रॉप्स उगने लगा हर तरफ। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। तो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 25 लाख साल पहले ग्लेशिएशन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ ना,
बहुत सारा जो पार्ट था अर्थ का वो बर्फ से ढक गया, ठीक है। और जो वहाँ का क्लाइमेट था, क्लाइमेट और वेजिटेशन में, इंडिया के सॉरी पूरे अर्थ के क्लाइमेट और वेजिटेशन में, वेजिटेशन होता है बाबू जो अपने से पेड़ उग जाता है ना, उसको हम वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। जो पेड़ अपने से उग जाता है तो वैसे पेड़ को हम वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में वनस्पति। तो देखो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया क्लाइमेट वेजिटेशन में। अब देखो बर्फ आ जाएगा, बर्फ आ जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, यानी कि क्लाइमेट क्या हो गया, ठंडा हो जाएगा। क्लाइमेट होता है ओवरऑल वेदर ऑफ ए लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे टाइम तक जहाँ का कहीं का अगर एक ही जैसा मौसम है ना तो उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। लाइक हमारे इंडिया में काफ़ी टाइम तक तुम्हारा मानसून चलता रहता है, तो हमारे इंडिया का क्लाइमेट क्या हो गया, मानसूनल क्लाइमेट। समझ में आया? अब उसके बाद देखो फिर वेजिटेशन कैसे डेवलप कर गया। देखो तो स्नो था, स्नो में पानी का अमाउंट था, ऊपर से टेम्परेचर भी कम है, तो बारिश होगा, बारिश होगा, और नहीं भी हुआ तो यहाँ स्नो का वाटर है ही, तो ये सारा वाटर मिलकर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर फैलेगा, वहां से क्या होगा, घास डेवलप करना शुरू होगा। देखते नहीं काई लग जाता है, ज्यादा टाइम पर कहीं पर पानी छोड़ो क्या होगा, वहां पर काई लग जाएगा, है ना। तो ऐसे पेड़ वगैरह डेवलप होना शुरू हो गया। तो ड्यू टू द रिडक्शन इन टेम्परेचर्स एज वेल एज रेनफॉल, ग्रासलैंड एरियाज एक्सपेंडेड एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट। टेम्परेचर में कमी होने के वजह से, टेम्परेचर में कमी होने के वजह से, रेनफॉल में बढ़ने के वजह से तुम्हारा क्या हो गया, ग्रासलैंड डेवलप करना शुरू हो गया, ठीक है। ग्रासलैंड डेवलप करना शुरू हुआ तो फॉरेस्ट, एज अ रिजल्ट फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि फॉरेस्ट निकल कर आया। जितना ज़्यादा हरियाली होगा उतना ज़्यादा घना जंगल होगा, लीडिंग टू द ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन ऑफ अर्ली फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस दैट वर अडेप्टेड टू फॉरेस्ट एंड द रिप्लेसमेंट बाई स्पीसीज दैट वर बेटर अडेप्टेड टू ड्रायर कंडीशन। अब देखो क्या हो गया, देखो देखो क्या हुआ, तुम्हारा जैसे जैसे वेजिटेशन डेवलप होना शुरू हुआ, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज शुरू हुआ, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन फैला, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चीज़ें उगना शुरू हो गई बारिश की वजह से, खुद से बारिश ढेर सारी खाने की चीज़ें उगनी शुरू हो गई। तो अब क्या होगा, अब जो उस टाइम के एग्जिस्टिंग मैमल्स है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो हर तरफ घूमना फिरना शुरू करेंगे, ताकि उन्हें जो भी खाने की चीज़ है वो आराम से मिल जाए, है ना। अगर तुमको खाना मिलेगा मार्केट में जाकर ही, तो तुम मार्केट में जाओगे, तो अगर खाना इनको मिलेगा फॉरेस्ट के बाहर, तो ये फॉरेस्ट के बाहर जाएंगे। तो इन लोगों ने अब फॉरेस्ट के बाहर निकलना शुरू किया, अब ड्रायर कंडीशन में खुद को डालना शुरू कर दिया। अमॉन्ग दिस वर द अर्लिएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जेनस होमो, और यही थे होमो हमारे, जो सबसे पहले जो लोग निकले फॉरेस्ट के बाहर इन द सर्च ऑफ फूड, यानी कि अपराइट वॉकिंग करते हुए, वो थे होमो। तो होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैन। उस टाइम वोमेन भी थी, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने अपने हिसाब से नाम सोचकर होमो को दे दिया। और भी बहुत सारा नाम है होमो का, ठीक है, लेकिन लैटिन वर्ड में होमो का मतलब होता है मैन। नेम असाइन टू दिस स्पीशीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम व्हाट आर रिगार्डेड एज देयर टिपिकल करेक्शन। जैसा वो दिखते थे वैसा उनको नाम दे दिया गया, जैसा देश वैसा भेष कहते हैं ना, तो जैसा वो उनका वेशभूषा था वैसे उनको नाम दे दिया गया। सो फॉसिल्स आर क्लासिफाइड एज होमो, तो तीन तरीके के फॉसिल क्लासिफाइड किए गए हैं, होमो हैबिलिस, देखो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस, ठीक है ना। तीन तरीके के डिफाइन कर दिए गए, क्लासिफाई कर दिए गए। तो होमो हैबिलिस जो टूल बनाने वाले थे, सबसे पहले टूल बनाना, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में मैंने पढ़ाया, सबसे पहले टूल बनाना शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे टूल बनाना शुरू किया वैसे वैसे सीधा चलना शुरू कर दिया, क्योंकि हाथ में ही पकड़ेंगे टूल को, पैर में तो नहीं पकड़ेंगे। जैसे जैसे सीधा चलना शुरू किया वैसे वैसे नई चीज़ों को देखा, नई चीज़ों को देखने वैसे उनको सोचने की कैपेसिटी आई। तो पहले हैबलिस जैसे हुए, फिर इरेक्टस हुए, फिर सैपियंस हुआ, ठीक है। फॉसिल्स ऑफ होमो हैबिलिस हैव बीन डिस्कवर्ड एट होमो इन इथियोपिया एंड एट ऑल्दुवी ऑल्दुवाई जॉर्ज इन तंजानिया। तो जो होमो हैबिलिस का जो फॉसिल था वो इथियोपिया और तंजानिया में मिला। सबसे पहला जो फॉसिल था ना होमो इरेक्टस का, वो अफ्रीका में भी मिला,
एशिया में भी मिला। फिर कुब्ड फोरा वेस्ट तुर्कानिया, ये सब जगह के नाम है, खुद से पढ़ लेना ठीक है ना। ऐसे एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन एक एक रीडिंग सिर्फ मार लेना काफी रहेगा। तो इन एशिया, एज द फाइंड्स इन एशिया बिलोंग टू अ लेटर डेट दैन दोज इन अफ्रीका, इट इज लाइकली दैट होमिनिट्स माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू साउथर्न एंड नॉर्थर्न अफ्रीका टू साउथर्न एंड नॉर्थर्न ईस्ट एशिया नॉर्थ ईस्टर्न एशिया एंड परहैप्स टू यूरोप समटाइम बिटवीन 2 एंड 1.5 मया। दिस इज बी सर्वाइव फॉर नियरली अ मिलियन ईयर्स। अब देखो क्या है, होमिनिट्स जो थे ना, होमिनिट्स, वो होमिनिट्स हर जगह से फॉसिल उनका मिला, लेकिन सबसे जो पुराना फॉसिल था, जैसा कि हमने पहले ही में पढ़ा था स्टार्टिंग में ही चैप्टर के, कि सबसे पहला फॉसिल मिला था अफ्रीका में। दो वजह भी थी कि हमने उसको सबसे पहला क्यों कहा, क्योंकि पहली वजह थी कि वो अफ्रीकन एप से पूरा सिमिलर था, मिलता जुलता था, और दूसरी वजह थी कि सबसे पहला जो फॉसिल था होमिनिड्स का वो वही मिला था अफ्रीका में। वहां फॉसिल जो मिला उसका डेट किया गया तो 56 लाख साल पहले का था, और अफ्रीका के बाहर जो फॉसिल मिला वो 18 लाख साल पहले का फॉसिल था सबसे पहला। तो सबसे पहला कहाँ का फॉसिल होगा, 56 लाख वाले का, ठीक है। तो इसीलिए अफ्रीकन ऑरिजिन कहा गया कि सबसे पहले अफ्रीका में ही होमिनिड्स होंगे। उसके बाद अफ्रीका से पहले हैं ये लोग नॉर्थ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, साउथ और नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, ठीक है, और यूरोप में। लगभग 10 लाख साल तक ये लोग सरवाइव किए थे। देखो मार्क भी किया हुआ है इनके लोकेशन को। इन सम इंस्टांसेस द नेम फॉर फॉसिल्स आर डिराइव फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द फर्स्ट फॉसिल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ। अब देखो फॉसिल्स का जो नाम है वो कैसे हो रखा जाता है, हैबलिस, इरेक्टस, एटसेट्रा एटसेट्रा, कैसे फॉसिल का नाम रखा जाता है। तो जिस जगह पर वो मिलते हैं ना, उसी जगह पर उनका, मतलब उसी जगह से उनका नाम पहचाना जाता है। जहाँ पर सबसे पहला फॉसिल मिला वहीं से उस फॉसिल का नाम रख दिया गया। लाइक होमिनिड का सबसे पहला फॉसिल कहाँ मिला, अफ्रीका में, तो वहाँ उसका नाम क्या हो गया, अफ्रीकन ओरिजिन हो गया। जो फॉसिल है तुम्हारा होमिनिड का वो अफ्रीका में मिला, तो इसलिए होमिनिड को अफ्रीकन ओरिजिन कहा कहा गया, ठीक है ना। अब देखो एक फॉसिल मिला हेडलबर्ग में, जर्मनी का एक सिटी है हेडलबर्ग, तो वहां पर मिला था एक होमो होमिनिड का एक कैटेगरी जेनस, तो उसका नाम रख दिया होमो हेडलबर्जेंट्स। इसमें क्या हो रहा है, जो होमो का जो जेनस जहां जहां मिल रहा है ना फॉसिल, उस जगह के नाम पर उसका नाम रख दिया जा रहा है। हेडलबर्ग में मिला तो होमो हेडलबर्ग, निंडर वैली में मिला तो होमो निंडर थैलेंसिस। इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस दोनों नाम, ठीक है ना, होमो हेडलबर्जेंट्स और होमो निंडरलैंथिसिस, निंडर थेलेंसिस, इस दोनों को अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में ये दोनों आ जाएगा तुम्हारा। द अर्लिएस्ट फॉसिल्स फ्रॉम यूरोप आर ऑफ होमो हेडलबर्जिनेसिस एंड होमो निंडर थेलेंसिस, बोथ बिलोंग टू द स्पीसीज ऑफ अर्काइक होमोसैपियंस। होमोसैपियंस यानी कि मॉडर्न ह्यूमन। तो दोनों, ये जो दोनों फॉसिल मिले ना हेडलबर्ग से और निंडर वैली से, ये दोनों हमसे काफी ज्यादा रिसेम्बल करते थे, यानी कि होमोसैपियंस काफी ज्यादा रिसेम्बल करते थे। फॉसिल ऑफ होमो हेडलबर्ग हैव अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग बीन फाउंड इन अफ्रीका एशिया एंड यूरोप। तो हेडलबर्ग का जो, हेडलबर्ग में जो फॉसिल मिला वो फॉसिल बाकी जगह भी मिला, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में भी मिला, और इसका जो ओरिजिन था लगभग 8 लाख से 1 लाख साल पहले का है, ठीक है ना। और जो निंडर वैली में जो मिला हमको फॉसिल, उसका जब हमने पता किया तो पता चला कि वो यूरोप में भी पाया जा रहा है, वेस्टर्न में भी मिला है उसका फॉसिल, और सेंट्रल एशिया में मिला है होमो निंडरथेलेंसिस का। लगभग अभी से 1.5 लाख से 35 हजार साल पहले का उसका फॉसिल मिला है। अब क्या कहा गया, दे डिसअपेयर्ड एब्रप्टली इन द वेस्टर्न यूरोप एंड अराउंड 35,000 ईयर्स अगो। 35,000 साल पहले अचानक से ही वो वेस्टर्न यूरोप से गायब हो गया। अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपैरिजन में बात करें होमो की, तो होमो का लार्जर ब्रेन हुआ करता था, छोटा जबड़ा हुआ करता था और छोटे दांत हुआ करते थे, ठीक है ना। अगर कंपेयर करोगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, तो होमो का क्या होगा, लार्जर ब्रेन, छोटा जबड़ा, छोटा दांत, ठीक है।
एंड इंक्रीज इन ब्रेन साइज एसोसिएटेड विद मोर इंटेलिजेंस एंड बेटर मेमोरी। जैसे जैसे लोगों की थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी हुई, ब्रेन पावर अच्छी हुई, वैसे वैसे ब्रेन का साइज बढ़ना शुरू हुआ। और जो चेंजेस था जॉ में और टीथ में, वो चेंजेस आया उनके खाने पीने की वजह से। जैसे वो खाना खाते थे उसकी वजह से उनके जॉ और टीथ में चेंजेस आया। ठीक है, तो ये है एक चार्ट। इस चार्ट के बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये चार्ट बता रहा है कि कब कहाँ और कौन सा फॉसिल मिला लोगों का। जैसे पहला देखो, 5 लाख से 1 लाख से 5 साल पहले, 1 लाख से लेकर 5 साल, 5 लाख साल के बीच में हमें ऑस्ट्रालोपिथेकस, अर्ली होमो और होमो इरेक्टस का फॉसिल मिला। कहाँ? सब सहारन अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद 1 लाख से 40 हजार, ऐसे इधर से करो, 40 हजार से लेकर 1 लाख साल पहले के बीच में जो भी हमें मिला फॉसिल, वो था होमो इरेक्टस का, अर्काइक होमो सैपियंस का, निंडर वैले वाले होमो का, होमो सैपियंस का। ठीक है, और तो ये जो मिला वो मिला तुमको अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में। फिर 45 हजार साल पहले जो हमें फॉसिल मिला वो था मॉडर्न ह्यूमंस का। मॉडर्न ह्यूमंस का फॉसिल कब मिला? 45 हजार साल पहले। यहाँ भी किया गया है मेंशन, लेकिन क्लियरली यहाँ मेंशन हुआ तुम्हारा। ठीक है, इसलिए इस पे मत जाना, इधर देखना। और फिर अभी तक 40 हजार साल से लेकर अभी तक जो हमें फॉसिल मिल रहा है वो मॉडर्न ह्यूमंस का है। और नेंडर वैली में जो बाद में फॉसिल्स मिलते गए उनका फॉसिल, उनसे रिसेम्बल करता हुआ फॉसिल सही है। ठीक है ना, तो ये जो मिला तुम्हारा यूरोप, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में और रेन फॉरेस्ट में मिला। होप ये पूरा चैप्टर समझ, ये पूरा टॉपिक तुम्हारा जो था प्रीकर्सर्स का, वो समझ में आ गया होगा। तुम लोग को नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, इससे पहले वाला, आज वाले वीडियो के पहले वाला वीडियो देखना। उसमें हर एक चीज़ क्लियरली समझा दिया गया है, समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है ना, ये देखोगे तो। कल से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के बारे में। एक वीडियो में ये निपट जाएगा, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। फिर उनके खाने का तरीका देखेंगे, फिर उनके बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का। फिर देखेंगे कि पेड़ से गुफा में गए, गुफा से फिर ओपन साइट पर कैसे आ गए। ठीक है ना, ये सारा डायग्राम हम समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। बिना सब्सक्राइब किए मत देखो यार, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तुम्हारा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा पॉलिटी इसी चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।